नमस्कार साथियों, गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच पर मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अपनी अंतिम कक्षा में हम लोगों ने छंद के अभ्यास सत्र पर चर्चा की थी और उसके कुछ प्रश्नों को हमने हल किया था। उसी क्रम में हमारे पास हमारे कुछ मित्रों के, कुछ छात्रों के मैसेज हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें उन्होंने हमसे ये एक निवेदन के तौर पर सुझाव दिया है कि सर, आपने छंद को जिस रूप में पढ़ाया तो उसमें कहीं पर भी छंद का जो एक महत्वपूर्ण अंग है और मात्रा, उसका उल्लेख नहीं किया। तो साथियों, मुझे यह पूर्ण रूप से विदित है कि छंद मात्राओं के बिना अधूरा होता है और मात्राओं का प्रयोग या मात्राओं की गणना ही किसी छंद के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। परंतु अपनी कक्षा को प्रारंभ करने से पहले अंतिम कक्षा में मैंने आपसे ये बता दिया था कि हम इस अभ्यास सत्र के दौरान सिर्फ इस चीज को देखेंगे कि हमें छंद के बारे में कितनी समझ है, हम छंद के बारे में क्वेश्चन को पढ़ के कहाँ तक चीजों को सोच पाते हैं। वो सिर्फ एक अभ्यास सत्र के रूप में थी। मैंने आपसे उस चर्चा के दौरान ये भी कहा था कि आगामी आने वाली कक्षा में हम आपको छंद की विस्तृत क्लास उपलब्ध कराएंगे। तो साथियों, उसी वादे के अनुरूप आज हम आपको छंद की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ एक विस्तृत कक्षा के रूप में आपको छंद का अध्ययन कराने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। तो आज की अपनी कक्षा में हम लोग छंद का प्रारंभ करेंगे और कालांतर आने वाली संभवतः 2-3 कक्षाओं में हम लगातार जो हमारे सिलेबस में आने वाले छंद हैं उनकी चर्चा को जारी रखेंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि छंद का ये टॉपिक समाप्त होने के बाद हमारे सभी छात्र, हमारे सभी प्रिय जितने मित्र हैं, साथीगण हैं, वो छंद के क्वेश्चन को करने में अपने आप को इतना सहज पाएंगे कि जितना शायद ही हिंदी का कोई आसान चैप्टर उन्हें प्रतीत हो। तो साथियों, आइए इसी वादे के साथ, इसी चर्चा के साथ हम अपनी आज की छंद की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, पहले हम देख लेते हैं कि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले कि छंद अगर हम पढ़ रहे हैं तो परीक्षा में इस किस रूप में इसका प्रश्न हमारे सामने आता है। देख, यहां से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं कि किसी भी चीज को हम पढ़ रहे हैं तो पेपर में किस रूप से पूछी जाएगी। देखिए, अपनी अंतिम कक्षा में हमने आपके सामने जो प्रश्न रखे थे, 10-15-20 प्रश्नों के माध्यम से हमने एक अभ्यास सत्र रखा था, उसमें आप देख रहे होंगे कि छंद के क्वेश्चन में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न का प्रकार होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण प्रकार क्या होता है कि छंद को दे करके उस छंद का आपसे नाम पूछता है। ठीक है, उस छंद का आपसे नाम पूछता है। अब छंद का मतलब क्या है कि छंद का मतलब कोई भी काव्य की पंक्ति आपको दे दी, कोई भी काव्य की पंक्ति। अब देखिए, काव्य जो है हमारे यहां जो उपलब्ध हिंदी साहित्य का जो काव्य है, हिंदी में जो लिखी गई रचनाएं हैं, वो असंख्य असीमित हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है और निरंतर रूप से रचनाएं लिखी भी जा रही हैं। ठीक है, तो सब चीजों को याद कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। तो ऐसे में हम कैसे इस चीज का पता लगाएंगे कि किसी दी गई काव्य की पंक्ति में कौन सा छंद है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, कई बार हमारे छात्र हमसे कहते हैं कि सर जी, इतना याद कर लिया, बताइए और कितना याद करें। तो हम कहते हैं इसमें याद करने वाली कोई चीज ही नहीं है, आपको पंक्ति एक भी याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ छंद की परिभाषा याद रखनी है। और फिर वही चीज जो महत्वपूर्ण हमसे कुछ छात्रों ने कही कि सर, छंद के लिए मात्रा लगाना आवश्यक है, मात्रा उसका एक अभिन्न अंग है। तो आप छंद की परिभाषा याद कीजिए और उसमें जो मात्राएं आ रही हैं वो मात्रा कैसे लगती है वो लगाना सीख लीजिए। बस इतनी सी चीज है, आपको एक भी पंक्ति को याद नहीं करना है।
मैं इसी चीज को आधार बना करके पूरा चैप्टर आपके सामने रखूंगा। हमारा छंद की चर्चा के दौरान जो मुख्य उद्देश्य होगा वो सिर्फ इतना होगा कि आपको किसी काव्य की पंक्ति में मात्राओं को लगाना और उनकी गणना करना हम सिखा सके। अगर इस चीज को आप लोगों ने सीख लिया तो निश्चित ही मानिए कि काव्य की कोई भी पंक्ति आपके सामने आ जाए, आपके सिलेबस के जो छंद हैं वो आपसे गलत नहीं होंगे। पूर्ण विश्वास है मेरा, पूर्ण विश्वास के साथ हम कह रहे हैं कि आपके वो छंद तो गलत नहीं होंगे अगर आपको मात्राओं को लगाना और उनकी गणना करना आता है। तो हम अपनी पूरी चर्चा इसी पर केंद्रित करेंगे, इसी पर फोकस रहेगा हमारा, पूरा ध्यान इसी पर रहेगा कि आप उन मात्राओं को लगाना और उनकी गणना करना सीख सके, ठीक। और बाकी महत्वपूर्ण चीज जो है कि आपको यह याद करना पड़ेगा कि किस छंद में कितनी मात्राओं का प्रयोग होता है, कितने चरण होते हैं, बस ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखा आपने, ज्यादातर प्रश्न जो आए थे आपसे छंद देकर के उसका नाम पूछ रहा था, ठीक है। दूसरा, इसके प्रश्न का जो प्रकार होता है वो छंद के सामान्य ज्ञान से संबंधित होते हैं या सामान्य परिचय से संबंधित होते हैं, दूसरे शब्द के रूप में आपको बता सकते हैं, सामान्य परिचय। अब ये सामान्य परिचय क्या है? तो सामान्य परिचय का मतलब है कि जब भी हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हमें ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उस चीज का अर्थ क्या है। क्योंकि देखिए, हम हिंदी में यहां पे छंद शब्द को लिखे हैं, तो यहां पे छंद जो है वो एक शब्द है साथियों। छंद क्या है? एक शब्द है। और यदि ये शब्द है तो शब्द की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी है कि शब्द जो होते हैं वो एक सार्थक इकाई होते हैं। कैसी इकाई होते हैं? सार्थक इकाई होते हैं। सार्थक इकाई का मतलब क्या है भाई? सार्थक इकाई का मतलब है जिसका एक निश्चित अर्थ हो, जिसका एक निश्चित अर्थ हो। यानी अगर यहां पे हमने छंद लिखा है तो इसका एक निश्चित अर्थ होगा, और इसका जो अर्थ होगा वही इसके गुणों को शामिल किया होगा। यानी कहने का मतलब है कि इसका जो अर्थ होगा वो अर्थ ही इस छंद में शामिल होगा। इसका अर्थ ही आपको बताएगा कि छंद का प्रयोग क्या होता है, ठीक है। तो हम सामान्य परिचय के अंतर्गत इसका अर्थ पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा को जानेंगे, इसका ऐतिहासिक उल्लेख कहां पर है उसको जानेंगे, और किस व्यक्ति ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है उसको जानेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है कि कोई रचना छंद कब होगी, ठीक है, इसकी जानकारी हम इसके अंतर्गत करेंगे। यानी मूलभूत रूप से हम ये कहेंगे कि छंद के अंतर्गत जो कुछ भी प्रयुक्त होता है, ठीक है, उसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। सामान्य परिचय के अंतर्गत जो परिभाषाएं होंगी, जो अंग होंगे, इसके ऐतिहासिक स्रोत होंगे, है ठीक है, इसके जो प्रमुख आचार्य होंगे उसका अध्ययन हम करेंगे। किसके अंतर्गत? इसके सामान्य परिचय के अंतर्गत। तो मूल रूप से हमें सिर्फ दो ही चीजों का इसमें अध्ययन करना है, दो ही चीजों का अध्ययन करना है। एक क्या है? एक इसके प्रश्न का, ठीक है, जब हम पूरी तरीके से चैप्टर को समझ लेंगे तो हमारे लिए ये प्रश्न निकालना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मात्राओं को लगा करके और उनकी गणना करके हम बता देंगे कि दी गई पंक्ति में इस छंद का प्रयोग हुआ है। पक्का? तो आइए अब अपनी चर्चा को स्टार्ट करते हैं। हमने आपके सामने एक चीज बहुत स्पष्ट कर दी कि छंद के जो प्रश्न है वो दो ही रूपों में मिलेंगे। एक उनका सामान्य परिचय होगा जिसमें कि मूल रूप से परिभाषाएं आएंगी, ठीक है, ये आपको याद करने वाला टॉपिक है। और दूसरा जो विस्तृत टॉपिक है जो कि काव्य को, कविताओं को लेकर के हमारे बच्चों के मन में रहता है कि सर बताइए इसमें कैसे हम पहचाने, कहां तक याद करें, तो उसको हम इसके अंतर्गत देखेंगे, ठीक है। तो आइए अपनी आज की चर्चा को हम लोग प्रारंभ करते हैं। हम लोग देखते हैं कि क्या होता है छंद, ठीक है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, छंद शब्द जो है
इसकी जो उत्पत्ति है, छंद शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत की छद धातु से हुई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि हिंदी की जननी जो है, आदि जननी जो है, वो संस्कृत मानी जाती है। तो बहुधा हिंदी में जो शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं संस्कृत के परिवर्तित स्वरूप ही हैं, संस्कृत के परिवर्तित स्वरूप ही हैं। तो यदि हम छंद की बात करें तो छंद शब्द संस्कृत की जो छद धातु से है उससे उत्पन्न हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ आनंदित करना होता है, आनंदित करना होता है, ठीक है। अब परीक्षा में साथियों देखिए, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। एक नंबर का क्वेश्चन है, आपको स्पष्ट रूप से जानना है कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है आनंदित करना, आनंदित करना। अब आनंदित करने का मतलब क्या, आनंदित करने का मतलब हो जाएगा कि एक ऐसा काव्य, ठीक है, जो मात्राओं और वर्णों की गणना पर आधारित हो। देखिए दोनों चीजें हैं, थोड़ा सा पीछे हम जाएंगे तो रस में भी शाब्दिक अर्थ, रस का भी आनंद ही होता है, ठीक है। रस को सुनने पे भी हमें आनंद की अनुभूति, आनंद की प्राप्ति होती है, और जब हम छंद की चर्चा करेंगे तो इसमें भी हमें आनंद की ही प्राप्ति होती है। लेकिन अगर हम दोनों में अंतर को जानेंगे तो अंतर हमारा ये हो जाएगा कि जब हम छंद की चर्चा करते हैं तो यहां पर आनंद जो हमें प्राप्त होता है वो किसी काव्य में प्रयुक्त मात्रा और वर्णों की एक निश्चित क्रम के स्वरूप प्राप्त होता है, ठीक है। एक निश्चित क्रम में उनका प्रयोग करने पर, ठीक है, छंद में एक हम बोलते हैं नवीनता, आकर्षण या आनंद आता है। उसको पढ़ने पर हमें किसकी अनुभूति होती है, जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम छंद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, छंद के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप लोगों ने किताबों में इसको तो पढ़ा होगा कि इसका शाब्दिक अर्थ आनंदित करना होता है। साथियों मैं आपको एक अन्य चीज बताता हूं कि छंद का एक और भी शाब्दिक अर्थ होता है, छंद का एक और शाब्दिक अर्थ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आच्छादित करना, ठीक है। अगर कभी विकल्प में आनंदित करना ना मिले तो आप ध्यान रखिएगा वहां पर आपको आच्छादित करना दिया होगा, यानी छंद का एक अन्य शाब्दिक अर्थ आच्छादित करना। आच्छादित करने का मतलब होता है ढक लेना, इसका एक अन्य शाब्दिक अर्थ होता है ढक लेना, ठीक है, ढकना। छंद का एक अन्य शाब्दिक अर्थ होता है ढकना। तो दो रूप से होगा, छंद का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, आच्छादित करना, ढकना, अथवा आनंदित करना। अब प्रश्न यह उठता है कि सर जी आच्छादित किस रूप से छंद ढकता है, कैसे ढकता है, रचनाओं को ढकने का यहां पे अर्थ क्या है, यह एक प्रश्न उठना चाहिए, स्वाभाविक है आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि सर आच्छादन से इसका क्या अर्थ है। तो आच्छादन से इसका अर्थ जानने के लिए साथियों आपको इसके स्रोत पे जाना पड़ेगा। छंद का जो सर्वप्रथम हमें उल्लेख प्राप्त होता है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है, छंद का हमें सर्वप्रथम उल्लेख हमारे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में प्राप्त होता है, ऋग्वेद में प्राप्त होता है। ऋग्वेद में किस रूप में प्राप्त होता है, तो ऋग्वेद में साथियों, ऋग्वेद में दसवें मंडल में पुरुष सूक्त के अंतर्गत हमें छंद की प्राप्ति होती है,
और वो प्राप्ति हमें किस रूप में होती है, तो वहां पर हमें एक सूत्र के रूप में प्राप्त होता है छंदो पादो तुवेदस्य, छंदो पादो तुवेदस्य, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ है कि छंद पाद मतलब पैर, तू वे वेदस्य वेद के, यानी छंद जो है अन्य कुछ नहीं बल्कि वेद के पांव हैं, वेद के पांव है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हमने बताया इसका उल्लेख कहां पे मिल रहा है, इसका उल्लेख पुरुष सूक्त के रूप में मिल रहा है, पुरुष सूक्त के अंतर्गत मिल रहा है। पुरुष सूक्त का मतलब क्या हुआ साथियों, पुरुष सूक्त की जब हम चर्चा करते हैं तो हम बोलते हैं कि जो वेद है हमारे, इनको हमने भगवान के रूप में पूजित किया है, ठीक है, साकार रूप में इसकी हमने कल्पना की है, हमने इसको ईश्वर के रूप में माना है। अगर ईश्वर के रूप में माना है तो ईश्वर के साकार स्वरूप में ईश्वर के अंग होंगे, होंगे, अगर होंगे तो हम वहां पर वेदों के अंग का जिक्र पाते हैं पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में हम वेदों के अंग का जिक्र पाते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम वेदांग के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, वेदांग के नाम से जानते हैं। और साथियों ध्यान रखिएगा कि वेदों के, ये ऋग्वेद में वेदों के छह अंग का उल्लेख मिलता है, छह अंग का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक अंग आपका पैर है, जिसको किसके रूप में उल्लिखित किया गया है, छंद के रूप में उल्लिखित किया गया है, यानी छंद को वेदों के पैर की उपमा दी गई है। साथियों कई बार ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पाया गया है, परीक्षा में आपसे पूछा गया है कि किसे वेदों के पैर की उपमा दी गई है, या दूसरी भाषा में हम कहें तो वेदों में छंदों का उल्लेख किस रूप में मिलता है, यह परीक्षा का प्रश्न आता है। तो किसी भी रूप में अगर देखें, अगर वेदों के पैर के रूप में पूछेगा तो आंसर आपका छंद होगा, और छंदों को किस रूप में उल्लिखित किया गया है तो उसका आंसर आपका पैर हो जाएगा। ये सूत्र के माध्यम से आप लोग याद रखें, छंदो पादो तु वेदस्य, छंदों को वेदों के पैर के रूप में उल्लिखित किया गया है, और वो ग्रंथ कौन सा हमारा, कई बार इस पृष्ठ का भी उल्लेख मिलता है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, कहां मिलता है, ऋग्वेद में प्राप्त होता है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन के रूप में हम आपको आगे लेकर के चल रहे हैं, एक एक क्वेश्चन के रूप में, सर्वप्रथम किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई, तो उत्पत्ति हुई छद धातु से, इसका शाब्दिक अर्थ आनंदित अथवा आच्छादित करना। दूसरा, इसका उल्लेख ऋग्वेद में, उल्लेख कहां पर, दसवें मंडल में, पुरुष सूक्त में, किस रूप में, पैरों के रूप में, किसके पैर, वेदों के पैर, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, वेदांग। कभी कभी आपसे क्वेश्चन अगर एक कदम आगे जाकर के पूछे, तो मैंने भी आपको बताया पूछे वेदांग, तो वेदांग यानी वेदों के अंग की संख्या कितनी होती है, छह होती है, कितनी होती है, वेदों के अंग छह होते हैं, ठीक है। इतनी चीजों को आप लोग याद कर पा रहे हैं। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं, जिन्होंने, जिन्हें लगभग छंद का प्रवर्तक माना जाता है, छंद का प्रमुख आचार्य माना जाता है, उनका नाम है आचार्य पिंगल, आचार्य पिंगल। ये एक प्रश्न आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। आचार्य पिंगल को छंद के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आचार्य के रूप में स्थान प्राप्त है, ठीक है। छंद में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य किए, छंद के क्षेत्र में इनके कार्यों को, ठीक है, इनके कार्यों का अध्ययन करते हुए या इनके विशेष कार्यों के लिए इन्हें, ठीक है, छंद के प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है, छंद का प्रवर्तक, छंद का प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है, और इन्हें सम्मान देने के लिए छंद का एक अन्य नाम पिंगल भी पुकारा जाता है।
यानी अगर आपसे पूछे कि छंद को एक अन्य किस नाम से जानते हैं, तो वो हो जाएगा पिंगल के नाम से भी छंद को उच्चारित करते हैं, या छंद का उल्लेख कहीं कहीं पिंगल के रूप में भी प्राप्त होता है, पिंगल के रूप में भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपका कुछ बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, जो सामान्य अध्ययन से संबंधित है। दूसरा अब महत्वपूर्ण चीज आती है कि छंद होता क्या है। ठीक है, छंद होता क्या है? तो छंद होता है कि वर्णों और मात्राओं की गणना पर आधारित रचना। ठीक है, समझेंगे कि यहां पर छंद में जो नवीनता आती है, जो सौंदर्य आता है, वो उसमें प्रयुक्त वर्णों और मात्राओं की संख्या के कारण आता है। तो एक ऐसी रचना जो मात्राओं और वर्णों की संख्या पर आधारित होती है, छंद कहलाती है। क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। अब यहां पे अगर हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो परिभाषा हम सिंपल रूप से लिख सकते हैं। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? तो साथियों, इसकी परिभाषा बनेगी मात्राओं और वर्णों की निश्चित संख्या से निर्मित रचना, निर्मित रचना छंद कहलाती है। क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। यह हो गया इसकी परिभाषा। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, देखिए इस चीज का हम लोग उल्लेख करेंगे, या तो मात्राओं पर आधारित होगा या फिर वर्णों पर आधारित होगा। मात्राओं पर आधारित होगा या फिर वर्णों पर आधारित होगा, ऐसी रचना क्या कहलाएगी? छंद कहलाएगी। ऐसी रचना क्या कहलाएगी? छंद कहलाएगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि छंद किसी रचना को निर्धारित करने के लिए कि उसमें छंद का गुण है या कौन सा छंद है, तो कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती हैं। ठीक है, तो उसको निर्धारित करने के लिए छंद के निर्धारक तत्व या निर्धारक कारक के रूप में हम निम्नलिखित चीजों का अध्ययन करते हैं। तो वो तत्व हमारे, वो अंग हमारे कौन कौन से हैं, आइए उसकी हम चर्चा करते हैं अपने अगले बिंदु में। ठीक है, छंद के अंग अथवा निर्धारक तत्व छंद के अंग अथवा निर्धारक तत्व कि क्या क्या अंग होते हैं, ठीक है, जिनके कारण किसी रचना को हम छंद के रूप में जानते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि किसी रचना के छंद होने के लिए क्या क्या उसके अनिवार्य अंग अथवा तत्व होते हैं। तो उन अनिवार्य अंगों के अंतर्गत या तत्वों के अंतर्गत अगर हम चर्चा करते हैं, तो छंद का सबसे पहला अंग जो होता है वो होता है चरण अथवा पद। क्या होता है चरण अथवा पद, इसको देखते हैं। चरण अथवा पद, ठीक है, तो चरण, चरण की जो परिभाषा होती है साथियों, वो लिखते हैं कि किसी काव्य में जहां मात्राओं की
गणना का मात्राओं की गणना का एक नियम पूरा हो मात्राओं की गणना का एक नियम पूरा हो उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम चरण अथवा पद कहते हैं। चरण अथवा पद कहलाता है। ठीक है, मीनिंग क्या हुई कि जब भी हम छंद को पढ़ते हैं, साथियों देखिए, हमने आपको बताया कि छंद का निर्धारण होता है या तो मात्राओं के आधार पर या वर्णों के आधार पर। तो जब हम किसी काव्य में, किसी रचना में मात्राओं अथवा वर्णों को लगाते हैं तो एक निश्चित क्रम के बाद, ठीक है, मात्राओं को रोक दिया जाता है। ठीक है, यानी जहां पर मात्राओं अथवा वर्णों को लिखने का एक क्रम पूर्ण हो जाता है, जहां पर मात्राओं और वर्णों को लिखने का एक क्रम पूरा हो जाता है, यानी जब भी हम किसी छंद की परिभाषा पढ़ेंगे, उसको परिभाषित करेंगे, तो हम वहां पर जो छंद की मात्राओं की गणना करेंगे, जहां पर गणना समाप्त होगी, जहां पर गणना का एक नियम पूर्ण होगा, वहां तक की काव्य को हम क्या बोलेंगे? एक चरण अथवा पद बोलेंगे। एक चरण अथवा पद बोलेंगे। साथियों, बहुत छोटे से एक उदाहरण के माध्यम से हम आपके सामने इस बात को रखते हैं। जैसे बचपन से आप लोग पढ़ते आए हो कि चौपाई जो है वो हमारा एक मात्रिक छंद का उदाहरण है। मात्रिक छंद में भी हम चर्चा करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा, सब मात्रिक का है। आगे हम चर्चा करेंगे, उसको ले चलेंगे। ठीक है, तो मोटे मोटे रूप से अगर हम बात करें तो चौपाई जो है एक मात्रिक छंद का उदाहरण है। इसका अर्थ यह हुआ कि मात्रिक छंद में गणना होगी मात्राओं की। गणना किसकी होगी? मात्राओं की। ठीक है, अभी हम मात्रा पे भी अपनी चर्चा को ले जाएंगे, जो कि छंद का एक दूसरा महत्वपूर्ण अंग होगा। ठीक है, अंग होगा। तो मात्राओं की गणना कहां तक होगी? तो देखिए, जब हम पढ़ते हैं कि चौपाई छंद एक मात्रिक छंद है और इसके कितने चरण? चार चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? चार चरण होते हैं। तो साथियों, चार चरण का मतलब क्या होता है? चार चरण का मतलब होता है कि यहां पर जब हम इसके मात्राओं को लगाएंगे तो मात्राएं जो है हमारी पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में समाप्त होंगी और चौथा चरण पूरा होने के साथ ही यहां पर हमारा एक चौपाई का छंद पूर्ण हो जाएगा। चौपाई का एक छंद पूर्ण हो जाएगा। अब चार चरण तो हो गए, अब चार चरण चौपाई के अतिरिक्त अन्य में भी हो सकते हैं, या सामान्यता हम देखते हैं कि सामान्यता जितने भी छंदों का हम प्रयोग देखते हैं उसमें अधिकांश छंद जो होते हैं उसमें चार चरण ही होते हैं। हम तो कभी कभी परिभाषा के रूप में किताबों में ये देखते हैं कि चरण की जो परिभाषा दी होती है वो कहीं ना कहीं परिभाषा में एक अन्य परिभाषा के रूप में यह भी मिल जाता है कि छंद का जो चतुर्थांश होता है, यह भी कभी कभी विकल्प के रूप में परिभाषाओं में पूछा गया है कि चरण क्या होता है। तो प्रायः छंदों का जो चतुर्थांश होता है, चतुर्थांश का मतलब चौथाई भाग जो होता है, उसे ही हम किस नाम से जानते हैं? चरण अथवा पद के नाम से जानते हैं। चरण अथवा पद के नाम से जानते हैं। अब जरा देख लीजिए, अगर यहां पर चार चरण हैं तो इसका चतुर्थांश क्या हो गया? इसका चतुर्थांश हो गया एक पंक्ति, यानी इसकी एक पंक्ति जो होगी वो क्या कहलाएगी? इसका चरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? चरण कहलाएगी। लेकिन पंक्ति को कहने से हम यहां पर बचना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एक पंक्ति में एक से अधिक चरणों का प्रयोग भी देखने को मिलता है।
मिलता है और इसको हम लोग आगे देखेंगे, इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो यहां पे हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहां पर गणना का एक नियम पूरा हो उसे हम किस नाम से जानते हैं, चरण के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, चरण के नाम से जानते हैं। तो अब गणना कितने की होगी, तो महत्वपूर्ण यहां पर हो जाएगा गणना, महत्वपूर्ण यहां पर क्या हो जाएगा गणना। तो जब हम गणना करेंगे तो इसके प्रत्येक चरण में जो मात्राएं होंगी वो 16 16 होंगी। ये हम चौपाई छंद की चर्चा कर रहे हैं, यानी जहां पर एक चरण में आपको 16 मात्राएं प्राप्त हो जाएं, एक चरण में आपको 16 मात्राएं प्राप्त हो जाएं, साथियों आंख बंद करके आप बता देंगे कि वहां पर कौन सा छंद होगा, वहां पर चौपाई छंद होगा। कौन सा छंद होगा, चौपाई छंद होगा। तो ये तो हो गया इसका पहला आपका कि चरण अथवा पद क्या होता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि मात्राओं की गणना करते समय, मात्राओं की गणना करते समय जहां गणना का एक नियम पूर्ण हो, जहां गणना का एक नियम पूर्ण हो उसे ही हम किस नाम से जानते हैं, चरण अथवा पद के नाम से जानते हैं। साथियों परिभाषाएं आप लोग एकदम मन मस्तिष्क में इसी रूप में बैठा ले, क्योंकि ये सीधे सीधे परीक्षाओं में पूछी जाती है कि चरण किसे कहते हैं। तो जहां गणना का एक नियम पूरा होता है उसे एक चरण कहते हैं, या दूसरे शब्दों में प्रायः छंद का जो चतुर्थांश यानी चौथाई भाग होता है उसे किस नाम से जानते हैं, उसे चरण अथवा पद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहला अंग मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट हो गया होगा, पहला अंग इसका स्पष्ट हो गया होगा कि छंद का पहला अंग जो होता है चरण अथवा पद क्या होता है। तो छंद का चतुर्थांश अथवा जहां गणना का एक नियम पूरा हो वो चरण अथवा पद कहलाता है। आइए दूसरे अंग पे हम लोग चर्चा करते हैं। दूसरा अंग हम लोग देखते हैं, छंद का दूसरा महत्वपूर्ण अंग जो होता है वो होता है मात्रा अथवा वर्ण। मात्रा अथवा वर्ण। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अगर इसको आपने समझ लिया तो आपको पूरा का पूरा छंद स्पष्ट हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं कि इसको आप पूर्ण रूप से पूरी सजगता के साथ देखें, पूरी सजगता के साथ पढ़ें। सबसे पहले तो यहां पर दो शब्द हैं मात्रा और वर्ण। तो पहला तो यह प्रश्न है कि क्या ये दोनों एक ही हैं? अगर एक नहीं है तो इसमें अंतर क्या है। ठीक है, तो आइए उस चीज को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर मात्रा की चर्चा करते हैं, हम चर्चा करते हैं मात्रा की। तो देखिए मात्रा क्या होती है, मात्रा क्या होती है। देखिए मात्रा का जो अर्थ होता है वो शुद्ध रूप में अगर हम बोले तो एक शब्द में अगर डिफाइन करना हो तो वो होगा समय। एक शब्द में यदि मात्रा की परिभाषा देनी हो तो आप क्या दे सकते हैं, आप बोल सकते हैं समय। समय का मतलब क्या हुआ, समय का मतलब साथियों यहां पे हुआ कि किसी भी ध्वनि को या किसी भी ध्वनि के उच्चारित होने में लगने वाला समय लगने वाला समय क्या कहलाता है, मात्रा कहलाता है। मात्रा कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी ध्वनि को बोलने में उच्चारित करने में कितना समय लग रहा है, जितना समय लगता है उस समय को हम क्या बोलते हैं, मात्रा बोलते हैं। ठीक है साथियों, जब बहुत शुरुआत में मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई थी तो वर्णमाला में मैंने आपको पढ़ाया था स्वरों का विभाजन जब हम करते हैं तो स्वरों का विभाजन मात्रा के आधार पर भी होता है, और मात्रा के आधार पर स्वरों को हम एकमात्रिक
और द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक के रूप में परिभाषित करते हैं। एकमात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक के रूप में परिभाषित करते हैं। जब हम एकमात्रिक की परिभाषा पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, जिनके उच्चारण में लगभग लगभग एक सेकेंड या उससे भी कम का समय लगे, ऐसी ध्वनियां एकमात्रिक होती हैं। द्विमात्रिक में हम पढ़ते हैं कि एक मात्रिक की अपेक्षा कुछ अधिक समय हो या एक से दो सेकंड के मध्य में जिसका उच्चारण होता हो उसे हम द्विमात्रिक, और द्विमात्रिक की अपेक्षा जिसमें अधिक समय लगे उसे हम त्रिमात्रिक के रूप में जानते हैं। हम लोगों ने स्पष्ट रूप से पढ़ा था, देखिए वहां भी हम अगर सेकंड बोल रहे थे तो चर्चा वहां भी समय की ही हो रही थी। तो यहां पर अगर हम समय की बात करें तो मात्राओं का प्रयोग कितने रूपों में होता है, तो साथियों जब हम छंद की बात करते हैं तो छंद के रूप में मात्राओं का प्रयोग हमें दो रूपों में मिलता है। मात्राओं का प्रयोग हमें कितने रूपों में मिलता है, दो रूपों में प्राप्त होता है। एक हमारा होती है ह्रस्व, जिसे हम लघु के रूप में जानते हैं, जिसे हम लघु के रूप में जानते हैं। ह्रस्व का मतलब क्या होता है, तो ह्रस्व का मतलब होता है साथियों ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में कम समय लगे, कम समय लगे। पहली चीज ह्रस्व ध्वनियां क्या हुई, जिनके उच्चारण में कम समय लगेगा उन्हें हम ह्रस्व के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, ह्रस्व के नाम से जानेंगे। अच्छा दूसरी चीज, अब इसका निरूपण जो होता है वो कैसे होता है, तो साथियों ध्यान रखिएगा इसका निरूपण जो होता है वो खड़ी पाई के द्वारा होता है। सीधा एक डंडा हम लगा देते हैं जिसे हम हिंदी में खड़ी पाई के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, खड़ी पाई के नाम चाहते हैं। तो इसका निरूपण खड़ी पाई के रूप में होता है, और जब हम छंद के निर्धारण में इसकी गणना करते हैं तो इसकी गणना एक के रूप में होती है। गणना कितनी होती है इसकी, एक होती है, एक के रूप में इसकी गणना की जाती है। ठीक है, दूसरा जो मात्रा का स्वरूप होता है साथियों वो होता है, वो होता है गुरु। दूसरी मात्रा होती है हमारी गुरु। ठीक है, गुरु को हम दीर्घ भी बोलते हैं, गुरु को हम दीर्घ भी बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, तो गुरु और दीर्घ मतलब, दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ा मतलब अगर समय के अनुसार बात करें तो जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे इसे हम क्या बोलते हैं, गुरु अथवा दीर्घ बोलते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि इसका निरूपण, तो साथियों लिख लीजिएगा इसका निरूपण, ये अंग्रेजी के एस, हिंदी में से बोलते हैं, लिख लीजिएगा वर्तुल पाई, इसका निरूपण किस रूप में होता है, वर्तुल पाई के रूप में होता है। और जब हम इसकी गणना करते हैं तो इसकी गणना जो होती है साथियों वो दो की जाती है, गणना दो की जाती है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो मात्राएं होती हैं, ये ध्यान रखेंगे आप लोग पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा, ये जो मात्राएं होती हैं ये मात्राएं सिर्फ स्वर वर्णों की होती हैं, व्यंजन की नहीं। कभी भी आपको मात्रा लगानी हो तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई ऐसा व्यंजन दिया है जिसके साथ स्वर का प्रयोग नहीं हो रहा है, मेरा कहने का मतलब स्पष्ट रूप से है कि अगर कोई स्वर रहित व्यंजन है, स्वर रहित व्यंजन है,
तो उसकी कोई भी मात्रा नहीं होगी। यही जाकर के आपका एक पॉइंट बन जाता है। आगे प्रश्न में जब हम लोग देखते हैं कि कोई संयुक्त व्यंजन दिया होता है तो उसकी मात्रा जो होती है वो संयुक्त व्यंजन के साथ प्रयुक्त ध्वनि के अनुसार होती है, ठीक है। या कहीं कहीं ये भी लिख दिया जाता है कि संयुक्त ध्वनि की मात्रा जो होती है वो लघु के रूप में एक के रूप में प्रयुक्त होती नहीं जाती हो। संयुक्त वर्ण में कभी कभी मात्राएं दो भी होती हैं। वो मात्रा जो लगती है वो संयुक्त के साथ जो स्वर ध्वनि है उसके अनुसार लगती है। इस चीज को लेकर के हम लोग चलेंगे। अभी कई बार लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि सर जी यहां पर दो लगा दी, यहां पर एक लगा दी, शब्द एक ही है, शब्द एक ही है तो क्या हुआ, उसके साथ ध्वनि देखिए, उसके साथ स्वर का प्रयोग देखिए, उसमें स्वर जो है वो लघु के रूप में है या दीर्घ के रूप में है। लघु के रूप में होगा तो मात्रा एक होगी और दीर्घ के रूप में होगा तो संयुक्त वर्ण की मात्रा दो हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मात्राओं का प्रयोग सिर्फ स्वर वर्णों के साथ होता है तो यहां पर हम देख सकते हैं कि लघु या हर्ष का प्रयोग किन स्वरों के लिए होगा। तो साथियों अब आपके लिए महत्वपूर्ण चीज आ रही है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, या इसको आप लोग देखिएगा कि हर्ष के रूप में जिन स्वर ध्वनियों का प्रयोग होता है वो प्रायः आ, ई, उ, री और अंग है। अनुनासिक ध्वनि, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्वनियां जो हैं, ठीक है, ये ध्वनियां जो हैं इनके लिए सदैव सदैव हर्ष का प्रयोग करते हैं। यानी जब भी हम छंद में इन ध्वनियों को देखेंगे तो वहां पर कितनी मात्रा का प्रयोग करेंगे, एक मात्रा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके अतिरिक्त जब हम गुरु के रूप में देखते हैं तो साथियों देख लीजिए, गुरुत्व में हम लोग आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ, अंग और आह, ये, ठीक है। आ, ई, अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रही हो तो यहां पे मैं लिख देता हूं, गुरु अथवा दीर्घ के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो जिन स्वरों का प्रयोग गुरु अथवा दीर्घ के रूप में होता है उसमें आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ, अंग और आहा। अगर इन स्वरों का प्रयोग हो रहा है, इन स्वरों का प्रयोग हो रहा है तो वहां पर प्रयुक्त मात्रा जो होगी वो गुरु होगी, जिसकी गणना कितनी होगी, दो होगी, और इसका निरूपण हम लोग इस रूप में करेंगे, ठीक है। तो मेरा अनुमान है, मेरी आशा है कि आप लोगों को ये मात्राओं का मात्राओं के बारे में जो जानकारी है, जो समझ है, वो स्पष्ट हो गई होगी कि मात्राएं क्या होती हैं, ठीक है। मात्रा, तो मात्रा ने बताया समय होता है, किसी ध्वनि के उच्चारित होने में लगने वाला समय होता है। इसके दो प्रकार होते हैं, लघु और गुरु। लघु को हम लोग किससे, खड़ी पाई से, इसको चाहो तो लिख लो, यहां पर इसका मतलब हो गया खड़ी पाई, खड़ी पाई, खड़ी पाई से निरूपित करते हैं।
और गुरु और दीर्घ को वर्तुल पाई से निरूपित करते हैं, वर्तुल पाई से निरूपित करते हैं। इसकी गणना गुरु की लघु की गणना जो होती है, हर्ष की जो गणना होती है वो एक होती है, जबकि गुरु और दीर्घ की गणना जो होती है वो दो होती है। कितनी होती है? दो होती है। आइए साथियों, अब हम लोग इसका दूसरा बिंदु वर्ण को देखते हैं, वर्ण की चर्चा करते हैं। तो वर्ण हमारा क्या कह रहा है? अगर हम वर्ण की बात करें तो देखिए वर्ण हमारा क्या कह रहा है। जब हम छंद के संदर्भ में वर्ण की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा बनती है, स्वरों के साथ उच्चारित होने वाली ध्वनि, स्वरों के साथ उच्चारित होने वाली ध्वनि। स्वरों के साथ उच्चारित होने वाली ध्वनि वर्ण कहलाती है, यानी कि इसका अर्थ यह हुआ कि यहां पर स्वरों के उच्चारण में समय को नहीं देखेंगे, यहां पर हम व्यंजन वर्ण को देखेंगे। अब उसके साथ लघु का प्रयोग हो रहा है, दीर्घ का प्रयोग हो रहा है, इसका महत्व नहीं रह जाता। यहां पर हम देखेंगे कि उसका प्रयोग व्यंजन के साथ है कि नहीं, और व्यंजन के साथ ही होगा, यानी स्वर चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो, व्यंजन के साथ प्रयुक्त तो होने वाली ध्वनि, ठीक है, या स्वरों के साथ प्रयुक्त तो होने वाली ध्वनि किस नाम से जानी जाएगी? वर्ण के नाम से जानी जाएगी। यानी जब हम मात्रा की बात करते हैं तो हम उसमें सिर्फ मात्रा का जिक्र करते हैं, और जब हम मात्रा की बात करते हैं, आप एक अंतर ऐसे देख सकते हो कि जब हम मात्रा की बात करते हैं तो मात्रा में हम सिर्फ स्वर को देखते हैं, सिर्फ स्वर को देखते हैं, लेकिन जब हम वर्ण की बात करते हैं तो वर्ण में हम व्यंजन के साथ स्वर को शामिल कर लेते हैं, और स्वर में लगने वाले समय का यहां कोई महत्व नहीं रह जाता है। ठीक है, चाहे वो लघु हो चाहे वो दीर्घ हो, उसको हम एक के रूप में ही काउंट करते हैं, उसको हम एक ही मानते हैं। ठीक है, देखिए अब यहां पर मैं आपको मात्रा और वर्ण में दोनों में अंतर स्पष्ट करके दिखाता हूं। देखिए, जैसे हम एक शब्द लिख रहे हैं, बहुत छोटा सा शब्द मैं लिख रहा हूं है, जो कि हमारा कहते हैं ना कि आधार है। हम लोग रामचरितमानस में पढ़ते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतने ही पारा। ठीक है, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, वही एक नाम हम ले रहे हैं, राम सीता। अब यहां पे अगर देखें हम गणना करें और हम कहें देखिए यहां पर मात्रा और वर्णों की गणना करी जाए, मात्रा और वर्ण की गणना करी जाए, तो यहां पर देखिए अगर हम यहां पर इस शब्द का वर्ण विन्यास देखें तो बहुत आसानी से देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर स्वर के रूप में दीर्घ का प्रयोग हुआ है और मां में स्वर के रूप में लघु आ का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इतनी चीज आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होगी, और हमने आपको यह बता दिया है कि मात्रा जो होती है वो स्वर वर्णों की होती है। तो यहां पर देखिए, यहां पर इसके साथ ये जो रा है हमारा वर्ण है, इसके साथ प्रयुक्त स्वर क्या है? आ है, और ये मा जो है इसके साथ प्रयुक्त स्वर क्या है भाई? इसके साथ प्रयुक्त स्वर आ है। ठीक है, तो यहां पर जब हम देखेंगे तो यहां पर देखिए हमने बताया था कि मात्रा जो होती है वह स्वर वर्णों की होती है। अभी पीछे हमने देखा
कि ये आ का प्रयोग जो है, देखिए आ का प्रयोग जो है वो किस रूप में हो रहा है, वो दीर्घ के रूप में हो रहा है, यानी इसकी इसकी मात्रा कितनी होगी, दो, और इसको हम निरूपित किससे करेंगे, वर्तुल पाई से। तो देखिए यहां पर इस आ के कारण इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी, यहां पर गुरु का प्रयोग हो जाएगा, और इस आ के कारण यहां पर किसका प्रयोग हो जाएगा, लघु का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम यहां पर मात्रा हमने बताया, तो हमने बताया इसको दो काउंट करते हैं और इसको एक काउंट करते हैं, तो इस राम शब्द में मात्रा कितनी होगी, तीन होगी। लेकिन अगर हम वर्ण की बात करेंगे तो देखिए वर्ण क्या होता है, स्वरों के साथ प्रयुक्त व्यंजन, तो यहां पर कितने, यहां पर एक रावण का प्रयोग हुआ है, वो चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो, इसकी गणना हम कितनी करेंगे, एक ही करेंगे। ठीक है, तो यहां पर कितना, एक इसका प्रयोग हुआ है और एक मा वर्ण का प्रयोग हुआ है, तो यहां पर वर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। स्पष्ट हुई भाई कि यहां पर मात्रा कितनी होगी, तीन, और यहां पर वर्ण कितने होंगे, दो। इसी प्रकार से अगर हम सीता शब्द में देखें, तो साथियों देखिए अगर इसका हम विन्यास देखते हैं, तो इसका विन्यास हमें मिलता है सा के साथ ई, सा के साथ ई, और इस ता को अगर हम देखते हैं तो यह हमें मिलता है ता के साथ आ, ता के साथ आ। ठीक है, तो अगर हम वर्ण की गणना करें तो व्यंजन यहां देखें कितने हैं, व्यंजन यहां पर दो हैं, सा और ता, तो यहां पर वर्ण कितने हो जाएंगे, वर्ण यहां हो जाएंगे दो, वर्ण कितने हो जाएंगे, दो। लेकिन अगर हम मात्रा की चर्चा करें तो मात्रा देखिए यहां पर ये क्या आ रही है, ई, यानी ये मात्रा कितनी हो गई, गुरु हो गई, और यहां पे क्या आया, आ, यानी ये मात्रा भी कितनी हो गई, गुरु हो गई, तो यहां पे मात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी, चार। ठीक है, इस प्रकार साथियों कुछ शब्द हैं, इसमें आप जरा मात्राएं लगाएं। ठीक है, हम आपके प्रयास हम आपका यहाँ पे थोड़ा सा कुछ शब्दों के माध्यम से यहाँ पर चीजों को और स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं अपना नाम ही ले ले रहा हूं, बहुत सरल सा नाम है मेरा, पवन। अब जरा ध्यान से देखिए तो यहां पर स्वर क्या आ रहा है, तो यहां पर स्वर आ रहा है आ आ आ। ठीक है, तो तीनों में लघु स्वर है, अगर तीनों में लघु स्वर है तो हमारे नाम में मात्राएं क्या होंगी, लघु होंगी। तो इसमें कितनी मात्राएं आ गई, तीन मात्राएं, कितनी मात्राएं आ गई, तीन मात्राएं। और अगर हम वर्ण की बात करें साथियों, तो देखिए यहां पर वर्ण क्या है, पा वा और ना, तो यहां पर ये तीन वर्ण है, तो यहां पर देखिए वर्ण भी कितने हो जाएंगे, वर्ण भी आपके हो जाएंगे तीन, वर्ण भी आपके हो जाएंगे तीन। यानी ये जरूरी नहीं है कि मात्राएं जो हो वर्ण से ज्यादा हो, वो उसके बराबर भी हो सकती हैं। तो मात्रा भी तीन और वर्ण भी तीन। और कुछ शब्दों को देखते हैं हम लोग, आइए एक संयुक्त स्वर के साथ हम लोग आते हैं, संयुक्त के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं। एक चीज और साथियों, एक चीज और, हिंदी में जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, संयुक्त व्यंजन जो होते हैं जिनकी संख्या कितनी मानी गई है, चार मानी गई है। कौन कौन से होते हैं, छ त्र ज श्र, छ त्र ज और श्र। साथियों ये ध्यान रखिएगा, इनके साथ एक ही मात्रा का प्रयोग होता है, इनकी मात्रा कितनी होती है, एक होती है। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, अब संयुक्त व्यंजन अगर इसके साथ ध्वनि दीर्घ है तो इसकी मात्रा दो होगी, इसकी मात्रा दो होगी, लेकिन संयुक्त व्यंजन के लिए मात्रा एक होगी। कैसे, देखिए हम बताते हैं कैसे। देखिए हमने आपको वर्णमाला में बताया था, ये जो छ है ये जो छ है, देखिए ये किसके मिलके बनता है,
ये क श और आ के मेल से बनता है। बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों, मात्रा एक है ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन क्यों है इस चीज को हम आपके सामने रख रहे हैं, क्यों है? हमने आपको बताया छंद में जो मात्राएं होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसकी होती है? स्वर ध्वनियों की होती है। किसकी होती है? स्वर ध्वनियों की होती है। और जब हम संयुक्त व्यंजन को देखते हैं, जब हम संयुक्त व्यंजन को देखते हैं छ को, तो इस छ में देखिए कितनी स्वर ध्वनि का प्रयोग हो रहा है, तो यहां पर सिर्फ और एक एक स्वर ध्वनि का प्रयोग हो रहा है। यहां पर देखिए ये का जो है ये स्वर रहित ध्वनि है, और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो स्वर रहित ध्वनि होती है उसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है, कोई भी मात्रा नहीं होती है। तो अब ये मात्रा रहित हो जाएगा, और इस सा के साथ ये मात्रा कौन सी है? आ यानी ह्रस्व की मात्रा है, तो इसकी मात्रा कितनी होती है? एक होती है। इस कारण संयुक्त वर्ण की मात्रा हम लोग कितनी लेते हैं? एक लेते हैं। इसी प्रकार से ये देख लीजिए त्रा में भी ता रा और आ, ठीक है, ज्या में भी ज या और आ, ठीक है, और श्र में भी श र और आ, ठीक है। तो ये तीनों ध्वनियां कैसी हो गई? ये तीनों ध्वनियां ह्रस्व हो गई, जिस कारण से इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। साथियों कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। बात मेरे ख्याल से स्पष्ट है? तो ध्यान रखिएगा संयुक्त ध्वनियों की मात्रा भी कितनी होती है? संयुक्त व्यंजन वर्णों की मात्रा भी एक ही होती है, एक ही होती है। अब देख ले, हम देख लेते हैं एक किसी किसी वर्ण में हम मात्रा लगा करके देख लेते हैं। जैसे देखिए हम यहां पर लगाएं क्षत्रिय, तो यहां पे देखिए यहां पे स्वर क्या भाई? यहां पे स्वर आ, यहां पे स्वर ई, ठीक है, और इसके आगे स्वर क्या मिला? आ, ठीक है। तो साथियों आ की मात्रा एक, ई की मात्रा एक और आ की मात्रा एक, तो यह मात्राएं कितनी हो जाएंगी? तीन। मात्राएं कितनी हो गई? तीन। इसी प्रकार से हम एक और शब्द देख लेते हैं और अंतिम शब्द, ठीक है। एक शब्द हमने देखा स्वतंत्र, अब आपको बताना इसमें, तो देखिए ध्यान से देखिएगा मात्रा किस तरीके से लगेगी। तो देखिए यहां क्या इस साग के साथ कोई स्वर है? इस साग के साथ कोई स्वर नहीं है, तो इसकी कोई भी मात्रा नहीं होगी। इस वाक के साथ किसका प्रयोग हुआ भाई? बोलिए भाई, इस वाक के साथ प्रयोग हुआ आ का। इस ता के साथ किसका प्रयोग हुआ? अंका। और इस तरह के साथ किसका प्रयोग हुआ? आ का। तो साथियों मात्रा किस रूप में होगी? तो इस आ की मात्रा कितनी? एक। अंक की मात्रा हमने बताया, अनुस्वार की मात्रा दो, और त्र आ की मात्रा एक। तो यहां कितनी मात्राएं हो गई? यहां आपकी स्वर बल में चार मात्राएं हो गई, ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं? तो इस प्रकार से इसकी मात्रा लगेंगी। ये हो गई किसी भी छंद में मात्राओं को लगाने का। अब आपके सामने देखिए बहुत ढेर सारे शब्द हैं, आपके घर परिवार में, आपके पास पड़ोस में, आपके सगे संबंधियों में, आपके मित्रों में, ऐसे अनगिनत नाम हैं, ठीक है, जिन पर आप मात्राओं का अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपसे ये कार्य के लिए आपको निर्देशित करते हैं या निवेदन करते हैं, आप निवेदन मानिए मेरा, कि आपके जितने से अधिक शब्दों पर हो सके आप मात्राओं का अभ्यास करें। अपनी अगली कक्षा में हम छंद के अंगों के साथ आगे की चर्चा को बढ़ाएंगे, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो मैंने आज आपको बता दी, मात्राएं और वर्ण में मैंने आपको अंतर बता दिया। यही किसी भी छंद के भेद का आधार होते हैं। जब गणना मात्राओं पर आधारित होती है तो छंद मात्रिक बनता है, और जब गणना वर्णों पर आधारित होती है तो छंद वर्णिक बन जाता है। साथियों यही दो मुख्य भेद होते हैं छंद के प्रकार के, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। तो इसी के साथ हम अपनी आगे की कक्षा में
पुनः आपके सामने छंद के साथ उपस्थित होंगे। तब तक सभी को जय हिंद।